हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? लुक, अ कैट्स टेल कंटेन नियरली 10% ऑफ ऑल द बोन्स इन इट्स बॉडी। कैट्स की जो टेल होती है वो उसकी बॉडी के 10% जो बॉडी सेल्स होती है वो कंटेन करती है। क्या बोलो बोलो, मालूम है आपको? नहीं मालूम है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो यहाँ पे लिखा है, ए कैट कंटेन नियरली 10% ऑफ ऑल द बोन्स इन इट्स बॉडी। तो जो कैट है, कैट की जो टेल है, पूंछ होती है ना, उसमें 10% उसकी बॉडी के 10% उसकी टेल में बोन्स होती हैं। क्या होती हैं? बोन्स। किसमें? कैट की टेल में। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म्स एस्ट्रोनॉट कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट्स मींस स्टार एंड सोलर। जो एस्ट्रोनॉट्स वर्ड्स है वो कहाँ से आया है? वो आया है ग्रीक वर्ड से। और इसका मीनिंग क्या होता है? एस्ट्रो मीनिंग होता है स्टार एंड सेलर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ ऑल द सेवन कॉन्टिनेंट्स एंड विद द लेटर विच दे बिगेन। जो सेवन कॉन्टिनेंट्स है आपके, ओके, सेवन कॉन्टिनेंट्स है क्या आप जानते हो सेवन कॉन्टिनेंट्स के बारे में? यस एंड नो, जल्दी जल्दी बताइए क्या आप लोग जानते हैं? नहीं? चलो कोई बात नहीं, आगे आप पढ़ोगे आपकी बुक्स में। अगर जिस स्टूडेंट्स को मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है द नेम ऑफ ऑल सेवन कॉन्टिनेंट्स। हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं बेटा? हमारे सेवन कॉन्टिनेंट्स होते हैं। एंड विद द लेटर, एंड विद द लेटर विच दे बिगिन। तो यहां पर जो हमारे वन से लेकर के सेवन कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स, तो उनका फर्स्ट लेटर और उनका लास्ट लेटर, स्टार्ट भी उससे हो रहा है और खत्म भी उससे हो रहा है। तो हमें बताना है व्हाट इज इट, क्या है वो? गेस करिए क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। बोलो बोलो बोलो, किसको मालूम है? किसी को मालूम? यहां पर देखिए, हम हेल्प बॉक्स की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे नाम दिए गए हैं, क्लोसेस ऑफ रोड्स, द राइट हाउस ऑफ द एलेक्सेंडर इजिप्ट, द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा इजिप्ट, द माउसलेम्स ऑफ हेलिकार्नियस, द स्टैच्यू ऑफ जीजस ओलंपिया, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर क्या चूज करेंगे बेटा, जल्दी बोलो। जस्ट अ सेकेंड, बोलिए बोलिए, आंसर कीजिए। ओके, नहीं बन पा रहा है, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे, है ना? तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? हमारे सेवन कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो आप आज सबसे पहले अपनी बुक ओपन करना और उसमें पहले ये देखना सेवन कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, पता करोगे आप? यस, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। चलिए आ जाओ। द नील क्रोकोडाइल कैन होल्ड इट्स ब्रीथ अंडर वाटर फॉर अप टू 2 आवर। जो नील क्रोकोडाइल होते हैं वो पानी के अंदर 2 घंटे तक बिना सांस लिए रह सकते हैं, अपनी सांस को होल्ड कर सकते हैं, अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप अपनी सांस ना लो तो आप क्या जिंदा रह सकते हो? आपकी लाइफ पॉसिबल है? नहीं है ना। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि आप अपनी ब्रीथ पे ही बेस्ड हो। अगर 2 मिनट के लिए भी आप अपने ब्रीथ अपनी रोक दी तो आप क्या हो जाओगे? बोलो बोलो बोलो,
मालूम है आपको? यस, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है बिना ब्रीथ के। तो क्रोकोडाइल्स 2 आवर्स तक अपनी ब्रीथ को रोके रख सकता है। कहाँ? पानी के अंदर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश और जेलीज है साइंटिस्ट कॉल देम आर नॉट फिश। दे हैव नो ब्रेन, नो हार्ट, नो बोन्स। जो जेलीफिश होती है तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ये कोई फिश नहीं है, क्योंकि इसके पास ना तो ब्रेन है, ना इसके पास हार्ट है, ना इसके पास बोन है। तो फिर क्या है ये? साइंटिस्ट इसमें अभी रिसर्च कर रहे हैं, है ना? ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ एनिमल्स या बर्ड्स या कोई भी एनीथिंग, उनके हमें फैक्ट्स जानने होते हैं। तो जैसे अभी हमें क्रोकोडाइल का पता चला, क्रोकोडाइल वाटर के अंदर 2 घंटे तक अपनी सांसें रोक के रख सकता है ना बेटा? उसी तरीके से यहाँ हमने नेक्स्ट फैक्ट क्या देखा, जो जेलीफिश होती है वो क्या, ना तो उसमें हार्ट है, ना उसमें ब्रेन है, और ना ही उसमें बोन्स है। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन ड्रॉ अ 35 माइल लॉन्ग लाइन और राइट नियरली 50,000 वर्ड्स विद एन एवरेज लीड पेंसिल्स। यू कैन ड्रॉ 35 माइल्स लॉन्ग, आप 35 माइल लॉन्ग तक लिख सकते हैं, जो राइट नियरली 50,000 वर्ड विद एन एवरेज लीड पेंसिल। एक पेंसिल से जब आप 50,000 बार लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा? 35 माइल लंबा। समझ रहे हैं आप? अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, 50,000 वर्ड्स अगर आप लिखोगे तो कितनी लेंथ चली जाएगी उसकी? जैसे मान लो आप 50,000 वर्ड लिखना चाह रहे हैं, तो लंबाई उसकी, एक तरीके से लेंथ उसकी कितनी? 35 माइल लॉन्ग जाएगी। ठीक है, आओ नेक्स्ट पे आते हैं। हमिंग बर्ड्स विंग्स कैन बीट 200 टाइम्स अ सेकेंड। जो हमिंग बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स कौन? जो आकाश में उड़ता है, तो ये हमिंग बर्ड्स 200 टाइम क्या हो सकती है? उड़ सकती, अपने विंग्स को ऐसे फड़फड़ा सकती है ना? कौन? हमिंग बर्ड्स। नेक्स्ट, अ सी हॉर्स कैन मूव इट आईज इन अपोजिट डायरेक्शन। जो सी हॉर्स होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? ये बेटा सी में पाए जाते हैं। सी में समुद्र, समुद्र में ये पाए जाते हैं, और इन ये क्या कर सकते हैं? ये अपनी आई को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपनी आईज को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एन आंट कैन लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट 50 टाइम हैवियर देन इटसेल्फ एंड कैन पुल 30 टाइम इट्स ओन वेट। जो आंट होती है, आंट मीन्स चीटी, ये अपने से 50 टाइम हैवियर वेट, खुद तो बेचारी इतनी सी, और ये कितना वेट उठा पाती है? अपने से 50 टाइम हैवियर, मतलब 50 गुना ज्यादा वेट ये कैरी कर सकती है। कौन? आंट्स। वेरी गुड बेटा, आपसे तो सारे क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। यस, चलिए नेक्स्ट, द बेबीलोन मेड द अर्लियर मैप्स अराउंड 300 BC। जो बेबीलोन है, बेबीलियन है, वो 23 BC, अराउंड 23 BC पहले ये मैप ड्रॉ बना था। यहाँ पर देखिए, अगर आप हेल्प बॉक्स की मदद लेंगे तो यहाँ पर है, जस्ट अ सेकेंड, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। तो यहाँ हैंग, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, एक गार्डन बहुत बड़ा, उसका मैप कब बना था? 200 BC पहले बना था, मतलब कितना टाइम हो गया है ना? तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, तो थैंक यू सो मच।